नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। यूपी में हुई योगी राज की शुरुआत। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ली। बता दें कि शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह और पार्टी के कई सीनियर लीडर लखनऊ उपस्थित रहे। वहीं मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में स्थित शपथ ग्रहण समारोह स्थल स्मृति वन पर सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में ब्रिज नगरी मथुरा से बने दो मंत्री। बता दें कि बीएसपी से बीजेपी में आए लक्ष्मी नारायण चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के फतेहाबाद भूना के नजदीक ढाड़ी गोपाल में जाट आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें डीएसपी गुरदयाल सिंह के सिर पर चोट लगी है। बता दें कि खैर रोड पर नहर के नजदीक लगे पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर जाट आंदोलनकारियों की चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आंदोलनकारी हिंसक हो गए। योगी आदित्यनाथ के सीएम बने पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक मोदी का पीएम बनना, छोटे भाई योगी जी का सीएम बनना 21वीं सदी की सबसे अच्छी खबर है। उमा भारती ने कहा कि योगी जी राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलेंगे और वामपंथियों के गाल पर ही सबसे बड़ा थप्पड़ है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा बीजेपी संघ के मुकाबले में कहीं नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह स्थानीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस और AIADMK से उनका कोई मेल नहीं। आतंकी संगठन ISIS ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले के नौहच्चा इलाके में कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें युवाओं से IS से जुड़ने की अपील की गई है। BSSC पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव परमेश्वर राम के मोबाइल से मंत्रियों, पूर्व सांसद और विधायकों के नाम का खुलासा होने के बाद अब पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार के पास से जब 3 मोबाइल से भी कई VVIP पैरवीकारों के नाम उजागर होंगे। बता दें कि उनके पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए थे। दिल्ली से सटे खोड़ा इलाके में बीती रात एक ओला कैब ने करीब 12 लोगों को घायल कर दिया। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी कैब ड्राइवर नशे की हालत में था और हादसे के बाद वे फरार हो गया। वहीं मामले को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। ब्रिटेन में सबसे अमीर एशियाई होने का तमगा हासिल किया प्रवासी भारतीय उद्योगपतियों ने। इसमें हिंदुजा बंधु ने कायम रखा ब्रिटेन में सबसे अमीर एशियाई होने का रुतबा। वहीं लक्ष्मी निवास मित्तल दूसरे पायदान पर रहे कायम। अरुणाचल प्रदेश में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने किया अचंभित करने वाला कारनामा। बता दें कि अनंग नाम के इस छात्र ने आंखों से दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कि उन्हें घर या बाहर कहीं भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ कोरिया ने हाई परफॉर्मेंस वाले नए रॉकेट इंजन का टेस्ट किया है। बता दें कि इस इंजन की मदद से वे स्पेस में रॉकेट भेज सकेगा। वहीं तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि पूरी दुनिया जल्दी हमारी ताकत और कामयाबी देखेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट में फील्ड एम्पायर गेफ फेनी की मजेदार हरकत कैमरे में कैद हो गई। 140वें ओवर में जॉर्ज हेजलवुड की बॉल पर पुजारा बीट हुए और बॉल विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बॉलर ने मामूली सी अपील की तभी एम्पायर ने आउट देने के लिए अपनी उंगली उठाई और फिर अपना सिर खुजाने लगे। दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 3 मोबाइल फोन चोरी हो गए। वहीं यहां द्वारका सेक्टर 10 स्थित थाने में धोनी ने FIR दर्ज करवाई है। बता दें कि पिछले दिनों इस होटल में आग भी लग गई थी। कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा एक बार फिर आए सुर्खियों में। खबरों के मुताबिक अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आ रहे कपिल शर्मा से ज्यादा शराब पीने के चलते अपने को स्टार सुनील ग्रोवर के साथ किया बुरा बर्ताव। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए RBM न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार।